कराची में एक विपक्ष का जमावड़ा साफ तौर पर नजर आया। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था। साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं मैसेज भी यहां पर विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि बीजेपी अजय नहीं है, बीजेपी को हराया जा सकता है, और वो तस्वीर यहां पर नजर भी आई। देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है कि हेमंत सोरेन की ताजपोशी में तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि सबको बुला के उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से सबको बुलाकर आप लोगों ने क्या पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की? एक बहुत बड़ा संदेश है कि झारखंड में जो पिछले 5 सालों में जिस तरीके से अत्याचार हुआ सीएनटी एसबीटी के नाम पर, स्थानीयता के नाम पर, रोजगार के नाम पर, यहाँ के जमीन लूटने के नाम पर, तो ये एक संदेश है पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। और हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी जगह से लोग आते हैं। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर तनुज मुझे कि जो वायदा आपने किया है, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, है ना, रोजगार सृजन का आपने वायदा किया है, किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया है, तो लगातार इतना पैसा है भी राजस्व में, ये भी तो देख लेना चाहिए था। देखिए, ये तो जवाब तो ये आपको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे थे या उसके उनके जो पदाधिकारी रहे थे कि जाते जाते इन्होंने खजाना खाली कर दिया। चर्चा यहाँ पे ये होती है, आज मुख्यमंत्री पद का शपथ माननीय हेमंत सोरेन जी ने लिया है बाकी 2-3 मंत्रियों के साथ में, उसकी चर्चा हो रही है कि हम वादा कैसे पूरा करेंगे। ये चर्चा क्यों नहीं होती है कि इन्होंने खजाना खाली किया, कहां लूट करके ले गए झारखंड के पैसे को? तो हर तरह के डॉक्टर हैं इस मंत्रिमंडल में और सरकार में, इन्होंने जो अत्याचार करने का काम किया है और उसको कंप्लीट सर्जरी करनी होगी, और वो जवाब जनता भी मांग रही है और सरकार भी उसकी जांच करेगी। आप लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो अब क्या जांच तो कराएंगे ही 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ? बिल्कुल, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि होनी चाहिए हमें लगता है, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से झारखंड की जनता को जो पिछड़ा करने का काम किया, पीछे रह गया झारखंड, 5 साल में जो विकास हो सकता था सिर्फ मोमेंटम झारखंड के नाम पर ठगने का काम किया गया, तो निश्चित तौर पर उसी के चलते एक बदलाव हुआ है और अब झारखंड की जनता ने अपना एक मुख्यमंत्री चुना है। चलिए, तो देखिए, एक जो अभी नई लिस्ट जारी हुई है गुड गवर्नेंस को लेकर, उसमें सबसे नीचे जिसका नाम है, जिस राज्य का, वो झारखंड है। बिहार और उड़ीसा से भी नीचे झारखंड है। हालांकि बड़ी बात कह रहे हैं कि हम 5 साल के दौरान जो कामकाज हुए उसकी जांच कराएंगे, लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि इससे जो एक पॉलिटिकल मैसेज निकला कि अब बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय नहीं रह गए हैं, एक बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ उनको हराया जा सकता है, यही बात कुछ देर पहले शिवानंद तिवारी कह रहे थे। शिवानंद तिवारी का कहना है कि झारखंड के बाद अगला नंबर बिहार का है, नीतीश कुमार उनके संपर्क में हैं, नीतीश कुमार को लगातार मनाने की कोशिशें हो रही हैं, और अगर नीतीश आते हैं तो हम अपने सारे गिले शिकवे भूल कर उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लेंगे। तो अब झारखंड के बाद बिहार की बारी है, अगर यही मॉडल, झारखंड मॉडल बिहार में भी अगर वो आगे लेकर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बिहार में भी आने वाली है। तो झारखंड से एक पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, जिसका जिक्र अभी प्रवक्ता कर रहे थे जेएमएम के, और जिसका जिक्र तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अमित, जिस तरह से आपने बताया कि आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हो रही है, हो सकता है कि एक बड़ा फेरबदल कुछ दिनों में देखने को मिला, हालांकि ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से आज जो है हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अब जो तमाम वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में और जिस वजह से जनता ने, जिस वजह से वो सत्ता में आए हैं, अब वो वादे पूरे करने की कहीं ना कहीं समय है कि किस तरह से वो वादे किए जाते हैं। विकास जो लगातार एक मुद्दा था उसको लेकर जो लगातार जनता को नजर नहीं आया, अगर हम बात करें बीजेपी सरकार में, तो अब उस हद तक विकास होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तमाम वादे किए गए और अब वो समय है कि आपकी सरकार भी है, आपने जो वादे किए वो आप वादे पूरे करिए। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे ये बताइए, आप प्रवक्ता हैं जेएमएम के, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को आप ये बताएं, आपने देखा कि मुख्यमंत्री सहित
चार पांच मंत्री चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, स्पीकर चुनाव हार गए, यानी जनता किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। तो खजाना खाली है तो वायदा करने से पहले खजाना देख लेना चाहिए था ना, कैसे वायदा पूरा होगा? कैसा सवाल है कि वायदा करने से पहले खजाना देख, किसने खजाना खाली किया? ये जनता जवाब जब मांगेगी ना, तो अभी कितने सीट में है ये भारतीय जनता पार्टी? जीरो हो जाएंगी, माइनस करके इनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सवाल जनता को तो पता नहीं था, जनता को तो ठगने का काम किया कि 900 करोड़ का मोमेंटम हम रोजगार दे रहे हैं। जनता को इतना बुरी तरह से ठगा गया कि आखिरी समय में ये चीजें बाहर आती हैं। कौन था सत्ता में? हम तो सत्ता में नहीं थे उस वक्त। चाबी किसके पास थी खजाने की? तो लूटने का काम किया है। तो काम कैसे होगा? काम कैसे? निश्चित तौर पर काम होगा, निश्चित तौर पर काम होगा आपके माध्यम से। हम ये हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, युवा सोच का मुख्यमंत्री मिला है, युवा जोश का मुख्यमंत्री मिला है, और काम इस तरीके बिल्कुल। चलिए, तो आश्वस्त कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 5 साल के कामकाज का वो लेखा जोखा लेंगे, उसकी जांच कराएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत